हाउसिंग बोर्ड स्थित गणेश मंच में महिलाओं को रोजगार मूलक कार्यों से जोड़ने विभिन्न वार्डों की महिला समिति का सम्मेलन सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव और महापौर नीरज पाल उपस्थित हुए और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने मार्गदर्शन दिया। भिलाई नगर महिला कांग्रेस की पदाधिकारी और समाज सेवी राजू चंदा के नेतृत्व में हाउसिंग बोर्ड स्थित गणेश मंच में विभिन्न वार्डों की महिला समितियों का सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल उपस्थित हुए। अतिथियों का स्वागत राजू चंदा के नेतृत्व में महिलाओं द्वारा किया गया। विधायक और महापौर ने राजू चंदा द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की, साथ ही सभी वार्डों की महिला समितियों को रोजगार मूलक कार्यों से जोड़ने, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने मार्गदर्शन दिया। विधायक देवेंद्र यादव ने इसके लिए शीघ्र ही एक कार्य योजना बनाने की बातें कही। मैं एक बात बोलूं, अम्मा मैं बता रहा हूं, ऐसा मूवमेंट बनाने में है ना जितना संघर्ष लगता है मेरे को पता है, क्योंकि मैं तो जुड़ा हुआ रहता हूँ। अब है ना इसको एक बार मैं ये चाहता हूँ कि मुख्य 10-12 लोग आओ, एक बार अपने आदान प्रदान करें विचार अंकल अपन, क्यों एट द एंड अपने को सक्सेस करना है ना प्रोग्राम, तो उसके लिए लोगों को कैसे योजनाओं का लाभ दिलाएं, क्या करें उस पर वर्कआउट कर लेते हैं। यहाँ तक आप लोग लेके आगे हो, अभी और तेजी इसको लाने के लिए। राजू चंदा ने महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने आयोजित कार्यक्रम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। नमस्ते सारे लोगों को, मेरी तरफ से सारे लोगों को चलने का बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। आज हमारा 13 समिति जो हमने 110 लोगों का एक समिति के हिसाब से हमारे यहाँ का पूरा 21 नंबर से लेकर के बाकी 5 करके पूरा 23 महिला समिति है हमारा, 13 जो बनाए हैं 13 समिति। तो मैं अपने लिए आज उनका फंक्शन करती हूँ, महिलाओं को अपने पैरों में खड़ा करने के लिए बहुत सारा अच्छी योजनाएँ हैं जो सरकार की तरफ से देखी है, हमारी मिलती है वो इन बच्चों को मिले। आज हमारे बेटा भी आ रहे हैं हमारे यहाँ उपस्थित होने के लिए, उनका भी स्वागत है हम सब की तरफ से। हम सब आज देवेंद्र यादव जी के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए सारे लोग इकट्ठा हुए, उनका हम लोगों के ऊपर बहुत सारा प्यार है, आशीर्वाद है, और वो हमारे लिए करते रहते हैं महिलाओं के लिए, तो हमने उनके लिए भी आज ये फंक्शन भी रखा और आगे भी करते रहेंगे। और हम सब महिलाएं देवी यादव जी के लिए काम करना चाहते हैं, हम काम नहीं करेंगे वो हमारे लिए काम करते हैं, ऐसा करते हैं, और आगे भी हम लोगों के लिए करेंगे सारी महिलाएं, ये सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और महिला जो आज रखा है समिति के द्वारा, जो मैं कर सकती जो कर सकती थी एक माँ बन कर के मैच करी, और सारे बच्चों को बोलती हूँ कि अपने पैरों में खड़े, और सारे अपने पैरों में खड़े होकर के अपना जवाबदारी या तो फिर यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है कि वो कुछ काम करें अपने महिलाओं के लिए, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले, एक दूसरे के लिए काम करें, तो हमारे कुछ ही काम है, हम लोग घूमते रहते हैं भटकते रहते हैं, तो एक माँ बन के इन लोगों को मार्ग दिखाने के लिए आगे आई और आगे भी करते रहूँ। गौरतलब है कि राजू चंदा द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने विभिन्न वार्डों में महिला समितियों की बैठक ली गई थी। कुछ समितियां घरेलू खाद्य पदार्थ तैयार कर अपना कार्य आरंभ कर चुकी हैं। वहीं विधायक देवेंद्र यादव द्वारा भी महिलाओं के उत्थान को लेकर कार्य आरंभ करने कार्यक्रम में आश्वस्त किया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।